जो डॉक्टर्स हमारे साथ दिख रहे हैं, ये डॉक्टर 24 घंटे लोगों की सेवा करते हैं। हम लोग 15 दिन से पिछले प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी, और पूरे 6 से 8 घंटे की हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमारा स्टाइपेंड जो है वो सिर्फ 13,900 रुपए है। हमने उनको पूरी बातें बताई कि एमपी स्टाइपेंड के मामले में अभी 26वें नंबर पे है, पूरे फीस के मामले में 5वें-6वें नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। तो घर पे पैसे भेजने तो दूर की बात है, हमें उल्टा वहाँ से पैसा मंगाना पड़ता है, जो थोड़ा हमको कई बार शर्मनाक भी लगता है। स्वस्थ मध्य प्रदेश के दावों को साकार करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार काम करता है। जो डॉक्टर्स हमारे साथ दिख रहे हैं, ये डॉक्टर 24 घंटे लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन इन डॉक्टर्स की भी कुछ मांगे होती है, कुछ ज़रूरतें होती है, कुछ आशाएं होती है, और सरकार से इन्हीं आशाओं को पूरा करने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हमीदी अस्पताल में, और ये जो आप मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, गांधी मेडिकल कॉलेज है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है, और मध्य प्रदेश के अब कॉलेज में या फिर कहें कि MBBS इंटर्नशिप वाले जो डॉक्टर हैं वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से कुछ मांगे कर रहे हैं, अड़े हुए हैं। उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि अभी उग्र प्रदर्शन नहीं चल रहा है, शांति ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, हम डॉक्टर से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, हम लोग इंटर्न डॉक्टर हैं GMC से। हम लोग 15 दिन से पिछले प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी। हमारी ये मांगे कि हम 24 घंटे काम भी करते हैं, जैसे जिस यूनिट का हमारा रहता है एडमिशन डे, उसमें हम लोग रात में भी काम करते हैं, और पूरे 6 से 8 घंटे की हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमारा स्टाइपेंड जो है वो सिर्फ 13,900 रुपए है। तो ये हमारी ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी कम है, तो हमें जैसे कि काफ़ी हमारे खर्चे भी होते हैं, पढ़ना होता है, या जो लोग हॉस्टल में सफिशेंट जगह नहीं है तो बाहर भी रहते हैं, उस हिसाब से बहुत कम है, जो हमारे काम के हिसाब से बहुत कम स्टाइपेंड है। हमारी फ़ीस जो है वो 2018 बेस तक 50,000 हुआ करती थी, उसके पहले और भी कम थी, हमारे बेस से जस्ट डबल, वो 1,00,000 हो गई है सीधा। तो इसके रेशो में भी अगर देखा जाए तो हमारा स्टाइपेंड बहुत कम है, और दूसरे राज्य से अगर हमारे इंटर्न की कंपेयर करें तो वहाँ पे फ़ीस है 26,000, 28,000, 30, 32 तक है ये फीस। तो हर जगह अगर जो देखा जाए तो हमारे लेवल के काम करने वालों को जितना पैसा मिल रहा है, हमें भी उतना सम्मानजनक पैसा मिले, इसके लिए हमारे सरकार से गुहार है, और हम बस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी किसी कॉलेजों में स्ट्राइक भी चल रही है फुल काम बंद करके, लेकिन हम लोग बस काली पट्टी बांध के काम करते हैं, और ड्यूटी के बाद हम अपना प्रोटेस्ट करते हैं किसी भी फॉर्म में। हम कैंडल मार्च निकाली हमने, और हम मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कभी पहले से कि करते हैं आपका काम, लेकिन बहुत समय हो गया, अभी तक कुछ है नहीं। और इंदौर से भी मंत्री जी को अवगत कराया गया, इंदौर कॉलेज से भी, उन्होंने भी यही उनको आश्वासन दिया था, बहुत टाइम हो गया कि हाँ करते हैं हम। और सभी कॉलेज ने अपने अपने मांग रखी है, उनके विधायकों से ज्ञापन दिलवाया, हम डीन मैम से मिले, डीन मैम के थ्रू भी हमने पत्र भेजा, और हर तरह से हमने अपनी पहुँचाई है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखा जाए, हमारी बस गुहार है कि हमारी बात सुनी जाए। स्वास्थ्य मंत्री से आप लोगों ने मुलाकात की, शायद वो मेडिकल कॉलेज भी आए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है, कब तक आपकी मांगे पूरी होगी? मंत्री जी का बहुत ही सकारात्मक इस पे प्रतिक्रिया रही पूरी। हमने उनको पूरी बातें बताई कि MP स्टाइपेंड के मामले में अभी 26वें नंबर पे है पूरे भारतवर्ष में जितने भी, और फीस के मामले में 5वें-6वें नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। फीस मतलब जो 2018 में 50,000 फीस थी वो 2019 बैच से 1,00,000 कर दी गई है, लेकिन स्टाइपेंड में वृद्धि सिर्फ 500 रुपये जो हर साल इंक्रीमेंट होता है, एनुअल इंक्रीमेंट, उस हिसाब से हुआ है। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें बेसलाइन स्टाइपेंड जो है वो इंक्रीज़ करवाना है। हमारा बेसलाइन स्टाइपेंड है अभी 12,000 रुपये, तो वो एक देखें तो अनस्किल्ड लेबर को भी 12,000 मतलब दिन का 400 रुपये पड़ता है, लगभग 450-450 रुपये पड़ता है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा बेसलाइन स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, और जो वृद्धि हो रही है हर साल इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से वो होती रहे। लेकिन क्या आश्वासन क्या दिया गया है मंत्री जी के द्वारा? मंत्री जी ने बोला है कि अभी फाइल चल रही है, फाइल को ट्रेस करवा रहे हैं, पहुँचा है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, अभी अप्रूवल लेना बाकी है, ये सब बातें बताइए मंत्री जी। चलिए, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, कि आपके MBBS चल रहा है, इंटर्नशिप है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और आखिर आप लोगों की मांगे आज निकल कर क्यों सामने आई है? इसमें अगर देखा जाए तो सामाजिक दायित्व की बात उठ कर आती है। जैसे हम सभी काफ़ी मेहनत करके हमने नीट का एग्ज़ाम निकाला, उसके बाद हमने 4.5-4.5 साल अभी MBBS कर चुके हैं। ज़्यादातर लोग जो हमारे साथी हैं उनकी उम्र 26 से 27 साल हो चुकी है, तो घर पे पैसे भेजने तो दूर की बात है, हमें उल्टा वहाँ से पैसा मंगाना पड़ता है, जो थोड़ा हमको कई बार शर्मनाक भी लगता है कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर हमको घर से पैसे मंगाने पड़ रहे हैं।
डिग्री आने के बाद भी, तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। और इसमें रहना खाना तो दूर की बात है, कई बार हमारी जो किताबों के खर्चे हैं वो भी इसमें नहीं पूरे हो पाते। लेकिन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो मरीज हैं, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। मरीजों के प्रभावित होने वाला मुद्दा अभी नहीं बना है। हमारा जो प्रदर्शन रहा है, जैसा कि सर ने पहले बताया, हम सिर्फ काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। और जब मंत्री जी से बात करने की कोशिश करते हैं और यहाँ कभी कभी हमारी मांगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जैसे अभी कुछ दिनों पूर्व हमने यहाँ पे कैंडल मार्च भी निकाला हमारी मांगों को मनवाने के लिए, इससे जो हमारा कार्य है वो बिल्कुल भी बाधित नहीं है। हम प्रॉपर अभी भी ड्यूटीज़ दे रहे हैं और मरीजों को कोई नुकसान नहीं है। एक बार हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो जूनियर डॉक्टर हैं ये सब अपने हाथों पर काली पट्टी बांधे हुए हैं, मतलब एक संकेत है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी कुछ मांगे हैं और सरकार इन मांगों को पूरा करे। सरकार से दरअसल मांगे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे और दावे तो सरकार करती है। अगर सरकार मांगे पूरा नहीं करती है तो फिर अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम सबसे पहले तो हम अपना जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है उसको और बड़े लेवल पर ले जाना चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि वह प्रदर्शन किसी विरोधी उसमें आवाज़ में उठे। हम एक कॉलेज को साथ में लेके, सभी पूरे MP स्टेट को साथ में लेके हम प्रदर्शन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और दूसरा, चूँकि हमें MP के अलग अलग, जैसे कि जूडा हुआ, MTA हुआ, सभी ने हमको समर्थन दिया है, IMA ने भी समर्थन दिया है, तो उनको भी हम साथ लेके प्रदर्शन को थोड़े बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, शांतिपूर्ण लेके जाएंगे। अगर नहीं होता है तो फिर हम सरकार के समक्ष बैठ के इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि आप अक्सर देखते होंगे कि जब हॉस्पिटल आप जाते हैं, किसी मरीज को लेके जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी करते हैं वो जूनियर डॉक्टर ही करते हैं। लगता है कि कभी कभी वो 24 घंटे करते हैं, कभी कभी ये 36 और 48 घंटे भी पहुंच जाता है। लेकिन इतना काम करने के बाद, इतनी सेवा देने के बाद भी ख्याल आप लोगों का नहीं रखा जाता, पहले आवाज़ नहीं उठी थी, क्या इसका ऐसा कारण हो सकता है? नहीं, पहले भी आवाज़ उठ चुकी है जो इंटर्न्स होते हैं उनके स्टाइपेंड के रिगार्डिंग, बट उसकी वजह से जो सरकार है वो एनुअल इंक्रीमेंट का लाए थे। पहले अगर 13,000 मिलता था तो हर साल 13,000 मिलता था, बट जैसे कि महंगाई भी बढ़ रही है तो पिछले एक दो साल पहले प्रोटेस्ट जो हुई थी तो उसमें उनने एनुअल इंक्रीमेंट की बात करी थी। बट हमारी मांगे ये हैं कि जो बेसलाइन स्टाइपेंड है, क्योंकि जैसे इनने बताया कि 2018 बैच तक फ़ीस 50,000 थी और हमारे बैच से फ़ीस दुगना हुई है, तो उसके हिसाब से इंटर्नशिप में भी बेसलाइन स्टाइपेंड में कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए था, बट वो 13,000 की 13,000 ही रही है। और दूसरी बात ये कि जैसा आप जानते हैं आजकल नीट भी कम से कम 20 से 22 लाख बच्चे नीट देते हैं, जिसमें 40,000 का सिलेक्शन होता है, तो वैसे ही सब लोग 2 साल नीट के लिए पढ़ के आए हैं, फिर 4.5 साल MBBS में रहना, हर महीने की हॉस्टल फ़ीस भरना, अपने खाने पीने का खर्चा करना, किताबों का खर्चा करना, तो उसके बाद भी अगर 26-27 साल का अगर कोई व्यक्ति अपने घर पे पैसा ना भेज पाए, अपने घर का साथ ना दे पाए, तो वो कहीं ना कहीं एक सरकार की तरफ से छात्रों की तरफ एक चूक है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे होते हैं वो आम घरों के होते हैं, उनके अंदर जज्बा होता है कुछ करने का, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं और उनके माँ बाप किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि बच्चे जब पढ़ाई कर लेते हैं तो उनको भी लगता है कि कम से कम हम घर से तो पैसा ना लें, अगर कुछ मदद ना कर सके। लेकिन आज भी आप लोगों को कहीं ना कहीं घर का सहारा लेना पड़ता होगा। आप ये बताइए कि जैसे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आपकी मांगे हैं वो मांगे क्या लगता है कि जैसे आप 30,000 की मांगे कर रहे हैं, क्या वाजिब है, क्या इतना मिल जाएगा? जी बिल्कुल वाजिब है, जिस हिसाब से काम करते हैं यहाँ पे डॉक्टर, जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से 30,000 की मांग तो बिल्कुल वाजिब है, मतलब इतना तो किसी को भी मिलना चाहिए जो इतनी मेहनत कर रहा है। जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेडिकल में जब कोई भी मरीज जाता है तो उनके परिजन आप लोगों को भगवान के नज़रिए से देखता है, क्योंकि उसकी जान बचती है, वो ठीक होता है। लेकिन आपके भी घर परिवार हैं, आपकी भी ज़रूरतें हैं, क्या ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा जाता या सरकार कोई इसमें कदम नहीं उठाती, क्योंकि वादे दावे तो बहुत होते हैं? देखिए, हम अपना काम हमेशा ही ईमानदारी से करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। आज भी हम लोगों ने काम बंद नहीं किया है, चाहे हमारी मांग है, हम सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं, हम अपना पूरा काम करते हैं और ईमानदारी से अपनी पूरी ड्यूटी करते हैं। हमारा लेकिन इतना है कि हमारा भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि जितना आप हमें सपोर्ट मिलेगा सभी तरफ से, हम उतना ही जी जान से और आगे अपना काम में लगे रहेंगे। और
यही बस है कि इस चीज़ को थोड़ा देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम मौजूद थे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल हमीदिया हॉस्पिटल में, और जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं गांधी मेडिकल कॉलेज। प्रदर्शन केवल एक जगह मध्य प्रदेश के भोपाल में नहीं हो रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो रहा है जहाँ मेडिकल कॉलेज है। चाहे वो इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, रीवा की बात करें, जबलपुर की बात करें, जूनियर्स डॉक्टर्स और MBBS इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टरों का यही कहना है कि हमें हमारी भी ज़रूरतें हैं, हम 24 घंटे काम में लगे होते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं, तो हमें भी हमारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। मांगे सरकार से है, अब देखना ये होगा कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आकर इन छात्रों के बीच, इन डॉक्टर्स के बीच बातचीत करते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाएगा, जो आप मांगे कर रहे हैं उसको पूरा किया जाएगा। सवाल अब यही है कि आखिर इन ज़रूरतों को पूरा कब किया जाएगा, क्योंकि इन डॉक्टर्स का यही कहना है कि हम काम तो कर रहे हैं, मरीजों को तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन सरकार हमारी तकलीफों को भी समझे, जाने और परखे। मेरा नाम अभिषेक और मेरे साथ थे विलाल खान। नमस्कार। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।